बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर भरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने 24 घंटे में ही कानपुर झांसी हाईवे पर दुर्गा मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि रविवार को क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष रेलवे आरपीएफ प्रयागराज को फोन कर भरौनी ग्वालियर ट्रेन को बम होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही हरकत में आई जीआरपी और जिला प्रशासन ने भरौनी ग्वालियर को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर रोक कर लगभग एक घंटे सघन तलाशी की, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं आया और सूचना पूरी तरीके से फर्जी पाई गई। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रशांत वर्मा ने तत्काल जीआरपी प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीमें गठित की और बम की झूठी कहानी रचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। आदेश मिलते ही प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने 24 घंटे के अंदर आरोपी गुड्डू मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी से रेहान वापसी की रिपोर्ट। कल दिनांक 7/4/2024 को ग्वालियर भरौनी 11:24 ट्रेन है, उसमें सूचना मिली थी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल नंबर से प्रयागराज कंट्रोल रूम आरपीएफ को फोन किया था कि ग्वालियर भरौनी में हमने बम रख दिया है और उड़ा देंगे हम ट्रेन को, जिससे उसमें यात्रियों की मृत्यु हो जाएगी। इस सूचना पे हम लोग तुरंत सक्रिय हो गए और जिला पुलिस को सूचना किया गया, इसमें बम स्क्वाड और डार्क स्क्वाड बीडीएस टीम को यहाँ बुलवाया गया। यहाँ पे लगभग 50 मिनट ट्रेन खड़ी रही और उसमें थॉरली सभी बोगियों कोचों में चेकिंग किया गया, सतर्क दृष्टि रखते हुए कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली बम जैसी कोई, फिर यहाँ से रवाना हुई थी। चूंकि जिस नंबर से फोन किया गया था उसके बारे में हम लोगों ने ट्रेस किया, वो जालौन का निकला, जहाँ पे हमारी टीम हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जीआरपी श्री प्रशांत वर्मा सर वाला सर द्वारा टीम गठित की गई थी। उस टीम द्वारा वहाँ पे कल शाम को ही रवाना हो गई थी, वहाँ पे काफ़ी देर वहाँ रात पे रुकी जानकारी करते हुए। तो ये जो पकड़ा गया है उसका नाम गुड्डू मंसूरी, सनाम रहमतुल्ले, निवासी बहराई जिला थाना कालपी जिला जालौन का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक कार्रवाई की।